राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती है। गाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से नेटो हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग से शहीद होने वाले अफसरों और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज के आने समेत दीगर आला शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे आदिल परवेज। शहदाए मोहम्मद एजेंसी की नमाज जनाजा कोर हेडक्वार्टर ग्राउंड पेशावर में अदा की गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन मलिक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कोसर, वजीर आला अमीर हैदर खान होती, वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर, सीनियर सूबाई वजीर बशीर अहमद बिलोर और आला सिविल व फौजी हुकाम ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने सब्ज हिलाली परचम में लिपटी 24 जवानों की मैयतों को सलामी दी। बाद अज़ां शहदा की मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गयी। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कम्बाइंड मिलिट्री अस्पताल पेशावर का भी दौरा किया। उन्होंने गोलाबारी में जख्मी होने वाले 13 जवानों की आयादत की। कैमरामैन साहिबजादा मोहम्मद जानजेब के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़।